महाराष्ट्र में महायुति फिर से सरकार बनाने जा रही है। महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एक ओर जहां भाजपा ने 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 तो वहीं अजीत पवार ने 40 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जीत की बधाई दी है। इसी कड़ी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी बधाई दी और कहा, मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र में विकास के लिए लोगों ने मतदान किया है। महाराष्ट्र की जनता ने कहा दिया है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है, विकसित महाराष्ट्र का सपना साकार हो सकता है। करता हूँ महाराष्ट्र की पूरी जनता का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित भाई शाह इंक्लूडिंग एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत पवार जी और उनके साथ में महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र में हमें ऑलमोस्ट 233 सीट्स, इतने सीट्स मिलके बाद सबका साथ सबका विकास, ये मैसेज सबके पास दिया। ये जो महाराष्ट्र में विकास के लिए इतना बड़ा जो मतदान किया है लोगों ने, डबल इंजन की सरकार के लिए किया है, युवा शक्ति के लिए किया है, नारी शक्ति के लिए किया है, किसान शक्ति के लिए किया है, गरीब कल्याण के लिए किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र, ये पूरा करने के लिए किया है। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी का प्रभाव आज भी है और कल भी रहेगा। माननीय मोदी जी जिस तरह से नेशन फर्स्ट इस धरती पे काम करते हैं, वही तो हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी टीम उसी तत्व पर काम करते हैं और महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार दिखा के दे दिया है कि इस देश में विजनरी लीडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना साकार हो सकता है, विकसित महाराष्ट्र का सपना साकार हो सकता है।